ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे दुर्ग की, बताएंगे कैसे दुर्ग में दसवीं की छात्रा ने एलपीजी गैस की बचत व सुरक्षा के लिए बनाया प्रोजेक्ट। दुर्ग में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पाउवारा के कक्षा दसवीं की छात्रा माधुरी साहू ने मानक इंस्पायर अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। छात्रा ने प्रोजेक्ट मॉडल गैस स्टोव सेफ्टी एवं एलपीजी कंजर्वेशन में जिला स्तर पर इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में चयन के पश्चात राज्य स्तर में जीत के साथ पूरे दुर्ग जिले का नाम रोशन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। राष्ट्रीय स्तर के लिए राज्य स्तर पर 20 बच्चों का चयन हुआ, जिनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पौवारा के बच्चों का चयन होना पूरे दुर्ग जिले के लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि में गाइड टीचर शुभ्रा वर्मा का विशेष योगदान रहा। इस उपलब्धि पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साह, प्राचार्य HL जांगड़े, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने माधुरी साहू को अप्रिशिएट कर शाबाशी दी। मैंने जो चूल्हा बनाया है उसके तीन फायदे हैं। सातवां में बहुत देर तक खाना बनता है, जिससे कि गैस स्टोव की रोड लाल तक तो गर्म हो जाती है। यदि इसमें कोई बच्चा गिर जाए तो हादसा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मैंने लकड़ी का ढक्कन लगाया है। इसे यूज करने के बाद लकड़ी के ढक्कन से ढक देंगे तो हादसा नहीं होगा। बच्चे बदमाशी करते वक्त गैस स्टोव को इधर उधर घुमा देते हैं, जिससे कि गैस लीक हो जाती है। इससे बचाव के लिए मैंने यहाँ पे कैंप बनाया है। इसे कैंप से कवर करके लॉक कर देंगे तो बच्चों के बहुत दूर होगा और हादसा नहीं होगा। एलपीजी के बचत के लिए मैंने एक सिस्टम लगाया है। ये स्विच सेट है जो रिले से कनेक्टेड है। ये सोनोनेट वॉल्व है जो एलपीजी को नियंत्रित करता है। जब इसमें बर्तन रखते हैं तो ये स्विच दबता है और आग तेजी से जलती है। जब बर्तन को हटा देते हैं तो ये बंद हो जाती है। एक धीमी गति से जलती है जो इग्निशन का कार्य करती है, ताकि बार बार हमें लाइटर या माचिस की आवश्यकता न हो। बर्तन रखने पर आग तेजी से जलती है। हटाने पर बंद हो जाती है। बंद सर, मैं शुभ्रा वर्मा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पौवारा, फिजिक्स लेक्चरर। इस बार हमारा सिलेक्शन स्टेट लेवल पे दिल्ली जाने के लिए, नेशनल के लिए हमारा मॉडल सेलेक्ट हुआ है। कुल 216 मॉडल थे, जिसमें से 19 मॉडल का चयन नेशनल के लिए किया गया, जिसमें हमारे तीन बच्चे दुर्ग जिले से अब सेलेक्ट हुए हैं। तो हमने हमारे स्कूल से ये बच्ची जो सेलेक्ट हुई, 24वां नंबर है इसका, जिसमें से 4 बच्चे नेशनल जा चुके हैं, करीबन 12 बच्चे स्टेट में भाग लिया उन्होंने, और 7-8 बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन हुआ है। तो काफ़ी दिनों से हमने मेहनत की थी, काफ़ी यूनिक आइडिया है इनका। इसने एक ऐसा चूल्हा प्रिपेयर किया है जो कि हलवाई का समय भी बचाएगा और एलपीजी गैस की बचत करेगा। जब उस पर बर्तन चढ़ाएंगे तो वो तेज़ी से जलेगा, जो 30 मिनट का खाना है वो 15 मिनट में ही बन जाएगा, और जब बर्तन को हटा देंगे तो उतनी देर में वो बंद रहेगा, जब तक हलवाई अगला आइटम तैयार नहीं करता है। फिर दूसरा आइटम तैयार होगा, तुरंत चढ़ाएगा, वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो जहाँ 5 सिलेंडर की खपत होनी थी, वहाँ 3 सिलेंडर में ही काम हो जाएगा। फिर बच्चों के जलने से बचाने के लिए इसने एक सेफ्टी ढक्कन भी लगाया उसमें, ताकि कोई हादसा ना हो। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शुभ्रा वर्मा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पौवारा। प्राचार्य सुनील यादव सर अभी रिटायर हुए हैं, अभी फिलहाल जांगड़े सर। नमस्ते सर, माई सेल्फ माधुरी साहू फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पौवारा। माई मॉडल इज गैस स्टोव सेफ्टी एंड एलपीजी कंजर्वेशन। मैंने एक ऐसा चूल्हा बनाया है जिसके 3 फायदे हैं। सातवां में बहुत देर तक खाना बनता है तो गैस स्टोव की रॉड लाल तब तक गर्म हो जाती है। यदि उसमें कोई बच्चा गिर जाए तो हादसा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मैंने लकड़ी का ढक्कन लगाया है। यदि उसे यूज़ करने के बाद लकड़ी के ढक्कन से ढक देंगे तो हादसा नहीं होगा। बच्चे बदमाशी करते वक्त गैस नॉब को इधर उधर घुमा देते हैं, जिससे कि गैस लीक हो जाती है। इससे बचाव के लिए मैंने एक कैप बनाया है। यदि उसे कैप से कवर करके लॉक कर देंगे तो ये बच्चों की पहुँच से बहुत दूर होगा और हादसा नहीं होगा। एलपीजी की बचत के लिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया है, जहाँ पे एक स्विच लगाया है जो रिले से कनेक्टेड है। एक सोनोनेट वॉल्व है जो एलपीजी को नियंत्रित करता है। जब उसमें बर्तन रखते हैं तो वो स्विच दबता है और आग तेज़ी से जलती है। जब बर्तन को हटा देते हैं तो वो बंद हो जाती है। एक धीमी गति से जलती रहती है जो इग्निशन का कार्य करती है, ताकि मैं बार बार माचिस या लाइटर की आवश्यकता न हो।
इससे LPG की बचत होती है। जैसे हलवाई खाना बनाते हैं तो बहुत बड़े बड़े बर्तन रहते हैं तो बर्तन चढ़ाने में बहुत समय लगता है, तब तक गैस तेज़ी से जलती रहती है। उस समय सिस्टम काम करेगा, जब हलवाई उस पर बर्तन रखेगा तो आग तेज़ी से जलेगी और बर्तन को हटा देगा तो वो बंद हो जाएगा। किसका किसका सहयोग किनका सहयोग रहा, किन किन का सपोर्ट? मैम के सहयोग से बना है। नाम बताओ। मैम सुब्रा, मैम सुब्रा वर्मा मैम। अच्छा, आपका नाम बताओ। माय नेम इज माधुरी साहू। दो बच्चे जो कुछ बनाए हैं तो काफ़ी इसमें बचत होगी, इस तरह के निरीक्षण किए, काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। देखिए, इंस्पायर अवार्ड में कुल 19 लोग चयनित हुए हैं। उन 19 पूरे प्रदेश में जो 19 चयनित हुए हैं उसमें 3 हमारे ज़िले से हैं, और खुशी की बात यह है कि 3 जिले में से 2 शासकीय विद्यालयों से हैं, एक जामगांव आर और दूसरा जो है पावारा विद्यालय से। इन दोनों ने जो शॉपिंग डिडक्शन वो बनाया है, और दूसरे बच्चे ने जो गैस ईंधन बचाने के लिए और सूचना के लिए जो उसको चयन किया गया है, ये निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है कि 19 में 3 प्रतिभागी हमारे ज़िले से हैं, और मुझे विश्वास है कि इन 3 बच्चों से प्रेरित होकर आने वाले दिनों में आगे जो इंस्पायर अवार्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसमें हमारे और ज़्यादा बच्चे इसमें स्थान पाएंगे। इन विजेता लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट।